नमस्कार दोस्तों, वेबन विधरियों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझेंगे, लाभ हानि खाते को समझेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, व्यापार खाते को समझा था, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि खाता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। फिर वो एक निश्चित समय के बाद ये जानना चाहता है कि वास्तव में जो बिजनेस वो कर रहा है वो उसके लिए लाभदायक हो रहा है या हानिकारक, मतलब वो प्रॉफिटेबल है या जो है नॉन प्रॉफिटेबल है, ये पता करने का प्रयास करता है, उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो जिस खाते से लाभ या हानि का पता चलता है वो कौन सा अकाउंट बेटा कहलाता है? वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, नाम मात्र का खाता कहलाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ये कह सकते हो आप, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट आप बोल सकते हो। कौन सा अकाउंट? तो नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हो, नाम मात्र का खाता, ठीक है। जब ऑप्शनल प्रश्न आएंगे तो वहां ये पूछा जा सकता है लाभ हानि खाता कौन सा खाता है, तो आपको ऐसा देना है नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता होता है, ठीक है। तो देखिये, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी निश्चित समय के पश्चात जो है व्यापार का, देखिए निश्चित समय का मतलब क्या होता है? निश्चित समय का मतलब जैसे कि आपका हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, जैसे फिनेंशियल ईयर, ठीक है, फिनेंशियल ईयर की अगर बात किया जाए, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अगर फिनेंशियल ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ईयर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। ये कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो वित्तीय वर्ष जो होता है, एक मिनट, ये जो वित्तीय वर्ष होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिनेंशियल ईयर, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर, जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर को क्या होता है? समाप्त हो सकता है। और हिंदू जो है कैलेंडर के हिसाब से ये कुछ लोग अपना खाता रखते हैं, दीपावली के दिन बंद करते हैं, दीपावली जो है दीपावली टू दीपावली भी जो है कुछ लोग खाता रखते हैं, दीपावली टू दीपावली हो सकता है, दशहरा टू दशहरा हो सकता है। मतलब एक निश्चित समय के दौरान कोई जो बिजनेस हो रहा है उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ, इसको ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं लाभ हानि खाता। क्लियर है? कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही क्या होता है? एक हिस्सा होता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक निश्चित समय के पश्चात व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया खाता क्या कहलाता है? लाभ हानि खाता कहलाता है। मतलब एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद जो है प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है जो अकाउंट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। आफ्टर अ पीरियड द अकाउंट विद इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेट लॉस इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यहां सही कर लीजिएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो यहां नेट प्रॉफिट भी जोड़ लीजिएगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इंक्लूड आइटम्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें भी सभी जो है आय और लाभ को दिखाया जाता है जो व्यापार में किया जाता है। अब देखिए, कल हमने बताया था कि जो व्यय होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो दो ढंग के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। तो इसमें आप प्रत्यक्ष व्ययों को दिखाया जाएगा। प्रत्यक्ष व्यय कल हमने बताया था कहां दिखाया जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में। अप्रत्यक्ष व्यय दिखाया जाता है लाभ हानि खाते में। क्लियर हो गई बात? एक और डेफिनेशन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जैसे देखिए कार्टर के अनुसार हमने डेफिनेशन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप रट डालिएगा। तो लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जिसमें आय और व्यय को एकत्रित किया जाता है ताकि आय का व्यय पर या व्यय के व्यय का आय पर अतिरिक्त निश्चित किया जा सके। अतिरिक्त का मतलब होता है सरप्लस, मतलब व्यय ज्यादा हुआ या आय ज्यादा हुआ, ये आपको जो है पता लगाया जाता है किससे? लाभ हानि खाते से। कुल मिलाकर अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं एक बिजनेसमैन वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर जो उसका होगा, उसमें उसे
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसको फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। और साधारण शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लाभ हानि खाता कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इज विच ऑल गेन एंड लॉसेस आर कलेक्टेड इन ऑर्डर टू एसर्टेन द एक्सेस ऑफ गेन ओवर लॉसेस और वाइस वर्सा। मतलब कि आप जो है आपका लाभ हुआ या हानि हुआ इसको ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लाभ हानि खाता कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छोटी सी बात है, आप अच्छे समझ सको इसलिए इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये रच बस जाए। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। आगे है आपके सामने फॉर्मेट, जैसा कि कल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था वैसे ही आज हमने जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट रखा, जिससे आपको पता चल जाए क्या क्या लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो वही ऊपर आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे यहाँ पर या बगल में लिख दोगे फॉर द ईयर एंडिंग, नीचे बेटर होता है, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये सब बातें आपको पता ही है। और एक बार फिर से देख लीजिए जिससे दिमाग में रच बस जाए, क्या क्या दिखाओगे, अगर लॉस होता है तो डेबिट तरफ आएगा, सैलरी दिखाओगे, ध्यान दीजिएगा सैलरी यहां आएगा, लेकिन अगर यही लिखा हो वेजेस एंड सैलरी, क्या लिखा हो, वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा, तब ये चला जाएगा ट्रेडिंग में, पीएल में नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे है किराया दर एवं कर, रेंट टैक्स एंड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज चार्ज, टेलीग्राम चार्ज, ये सब जितने भी डाक तार इसे बोला जाता है, छपाई और स्टेशनरी संबंधी व्यय, कानूनी व्यय, ठीक है, या अंकेक्षण शुल्क, ऑडिट फीस, जैसे अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट जो काम करता है उसको जो चेक करते हैं उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं, उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है उसे अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोई व्यक्ति काम कर रहे तो उनको देखने वाला क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, वैसे अकाउंटेंट को चेक करने के लिए, अकाउंटिंग जो वर्क हुआ उसको चेक करने के लिए जो अकाउंट जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं, उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है उसे हम अंकेक्षण कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे, कार्यालय लाइट वगैरह जो यूज हुआ, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन व्यय, पैकिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, मतलब वो सभी खर्चे जो माल के बनने के बाद किए जाएंगे वो सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कल हमने बताया था कि व्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष व्यय होता है और अप्रत्यक्ष व्यय होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है, प्रत्यक्ष व्यय होता है और कैसा व्यय होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्लियर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि वे एक्सपेंस होते हैं जो माल के बनने से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, माल बनने के बाद जितने भी खर्चे किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो, जैसे गोडाउन रेंट, कैरेज, आउटवर्ड, ऊपर भी जो बताया जितने भी इधर एक्सपेंस बता रहा हूं डेबिट साइड, वो सब के सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कमीशन हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, सेल्स एक्सपेंस हो गया, बैड डेट्स हो गया, इंश्योरेंस एंड लोन हो गया, ठीक है ना, डिस्काउंट हो गया आपका, बैंक चार्ज, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अभी टॉपिक आने वाला है फ्रेंड्स, उसको मैं बिल्कुल पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बताऊंगा, रिपेयर, रिनेवल, ठीक है ना, कोई संपत्ति बेच रहे हो उसे अगर हानि हो रहा है तो आप यहां दिखाओगे, या कोई अदर कोई एक्सपेंसेस। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि वे सभी व्यय इसमें दिखाए जाएंगे जो माल के बनने के बाद किए जाते हैं, अर्थात माल बनने के बाद ऑफिस और जो शोरूम तक के जितने भी खर्चे होंगे, मतलब ऑफिस से लेकर के, मतलब ऑफिस से लेकर के शोरूम तक के जितने भी खर्चे होंगे वो किसमें आएंगे आपका, वो आपके आ जाएंगे पीएल के डेबिट साइड। क्लियर। अब माल बनने तक जितने खर्चे होंगे वो सभी खर्चे कहां दिखाए जाएंगे आपके, वो सभी खर्चे दिखाए जाएंगे आपके ट्रेडिंग में। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ चला जाए। अब हम लोग साइड क्या क्या है, इनकम साइड को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या चीज जाएगा, वही सभी आए जिसमें रिसीप्ट शब्द लिखा हो वो सब के सब आप कहां दिखाओगे, आप दिखाओगे पीएल के
क्रेडिट साइड। क्लियर बात। जैसे देख लिया जाए यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है आपका, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो दो आ सकता है, सकल लाभ या सकल हार, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट तरफ, ग्रॉस लॉस आएगा तो वो डेबिट तरफ। क्लियर बात। आगे जैसे प्राप्त ब्याज, कोई भी प्राप्त लिखा हो, जैसे प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, अशोध ऋण की वसूली। अशोध ऋण क्या होता है, ऐसा ऋण मतलब जैसे अगर आपका कोई ऋण आपने किसी को दिया था, किसी को लोन दिया था, या किसी कोई सामान बेचा था आपने, कोई सामान आपने क्या किया था बेचा हो और अब उसकी मिलने की संभावना ना हो, किसी कोई सामान बेचा हो अब उस पैसा लेकर के भाग गया हो, पैसा ना देना चाह रहा हो, तो उसे बोलते हैं अशोध ऋण। क्या बोलेंगे उसे, अशोध ऋण बोला जाएगा। क्लियर है बात। मतलब ऐसा जो है ऋण जो डूब गया हो अर्थात जिसके मिलने की ना संभावना हो उसे कहते हैं अशोध ऋण या अप्राप्त ऋण। क्या बोलते हैं, अशोध ऋण या अप्राप्त ऋण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बैड डेट्स का अपोजिट होता है आपका बैड डेट्स का जो रिकवरी। क्लियर हो गया, बैड डेट्स रिकवरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। आगे है आपका जो है संयुक्त साहस पर लाभ, ज्वाइंट वेंचर का जो है प्रॉफिट। जैसे मान लो आप कई लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है ना। क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसी प्रॉफिट या लॉस को जो है फाइंड आउट, मतलब जो भी प्रॉफिट अगर आएगा उसको कहाँ दिखाएंगे, हम जो है क्रेडिट तरफ दिखाएंगे। मतलब कोई भी बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, ज्वाइंट वेंचर हो, कंसाइनमेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आएगा, श्योर, ठीक है। तो अगर आपका जो है लॉस होगा तो इधर नेट लॉस आएगा, और अगर नेट प्रॉफिट आना होगा तो डेबिट तरफ आएगा। क्लियर। अगर आपका डेबिट साइड जो है बड़ा होगा, डेबिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा, और क्रेडिट साइड जो है छोटा होगा, तो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस आएगा। अगर इसी का अपोजिट क्रेडिट साइड क्या होगा, आपका बड़ा हो जाए, क्रेडिट साइड क्या हो जाए, आपका क्रेडिट साइड आपका बड़ा हो जाए, और डेबिट साइड क्या हो जाए, अगर आपका छोटा हो जाए। अगर क्रेडिट साइड आपका जो है बड़ा हो जाए और डेबिट साइड क्या हो जाए, आपका छोटा हो जाए, इस सिचुएशन में क्या आएगा आपका, आपका आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा यहां पे, नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपको, उसके थ्रू समझाते हैं इसमें। चलिए देख लिया जाए, तो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, आप बिल्कुल इसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन से आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पे लिंक आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। अगर आप तुरंत हमारे साथ इसको करना चाहते हैं तो आप इसको बगल में आप अपने साथ लिख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं नीचे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। एक बार यदि हम लोग देख लेते हैं पूरे प्रश्न को। 31 मार्च 2013 को एक व्यापारी की पुस्तकों निम्नलिखित शेष है, आपको वर्ष के लिए लाभ हानि खाता तैयार करना है। ये कुछ दिए गए हैं, आपको ये क्या करना है, इसी से तैयार करना है। सबसे पहले दिखाया गया सैलरी, फिर इंश्योरेंस है, बीमा है, जावक गाड़ी भाड़ा। जावक गाड़ी भाड़ा मतलब कैरेज आउटवर्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर इनवर्ड होगा वो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेशनरी हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, किराया इनकम, रेंट एंड टैक्स, ठीक है। व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिए, व्यापारिक व्यय व्यापार खाते में नहीं जाता, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि पीएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। बट्टा, ठीक है, डेबिट तरफ लिखा है, तो बट्टा जो होगा वो डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो अगर डेबिट लिखा होगा तो डेबिट तरफ, अगर क्रेडिट लिखा होगा तो क्रेडिट तरफ। कमीशन, ऐसे क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट तरफ, डेबिट लिखा होता तो डेबिट तरफ, कुछ नहीं लिखा होता तो डेबिट तरफ। तीन सिचुएशन हो सकता है, डेबिट क्रेडिट लिखा रहे या ना लिखा। डेबिट लिखा होगा तो डेबिट तरफ, क्रेडिट लिखा होगा तो क्रेडिट तरफ। अगर ना तो डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है तो उसे डेबिट माना जाएगा। सकल लाभ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको दिखा देते हैं, हम इसको सेट कर देते हैं। आप वीडियो को रोक करके अगर आप चाहिए तो इसको जो है क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए किसी कॉपी में, फिर हमारे साथ देखिए उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा चाहे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे ऊपर, जैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऊपर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग। क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट। ये आपने लिख लिया, फिर आपने ये कॉलम बना लिया, ठीक है। ये कॉलम बनाने के बाद आप डेबिट साइड क्या शब्द प्रयोग करते हो, टू का, और इधर क्या लिखते हो आप, बाई शब्द का प्रयोग करते हो। इधर याद रखिएगा, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा,
वो किधर आएगा, इधर आएगा। देखिए प्रश्न में आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये सबसे लास्ट में क्या दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट। हिंदी में भी देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ दिया गया है कितना 28,000। तो आप प्रेरित तरफ इसको दिखा सकते हैं कितना, यहां लिखेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20, एक कॉलम इसमें एडिशनल बन गया है, ये कॉलम को यहां से जो है यहां तक होना है, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिएगा इस कॉलम को, ठीक है, ये कॉलम नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये इसको सही कर रहा हूं, यहां पर जो है ये कॉलम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, आप ये कॉलम नहीं है, मैं इसलिए पूरा लिखूंगा, यहां से लेकर के पूरा यहां तक अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। तो चलिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना दिया गया है, तो 28,000, तो आपने 28,000 दिखा दिया, ठीक है। और क्या है, अब डेबिट तरफ आते हैं, डेबिट तरफ प्रयास करना चाहिए सबसे पहले क्या लिखने का, सैलरी आप लोग दिखाने का प्रयास किया कीजिए। तो सैलरी कितना दिया गया है आप देखिए, तो 12,000 कितना दिया गया है, 12,000, आप ऊपर जाके इसको देख सकते हैं, यहां पर देखिए सैलरी लिखा है ना, ये सैलरी है 12,000, तो आप यहां 12,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है, आप क्रम से लिखते जाइए, उसके बाद टू इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कितना है 1500 आपने लिख लिया। आगे क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां लिखेंगे आप टू प्रिंटिंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है ना, आप पूरा लिखिएगा कितना है 2200, ठीक है। आगे है डेप्रिसिएशन, तो लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन कितना है 1800, तो आपने लिख दिया 1800। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, रेंट एंड टैक्स है, यहां लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्स, क्या रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स कितना है 2200, तो 2200 दिखा दिया। आगे है ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस, क्या टू ट्रेड एक्सपेंस कितना है 1200, तो यहां पे हमने दिखा दिया आपका 1200, ठीक है। डिस्काउंट दो जगह है, एक देखिए इधर डिस्काउंट लिखा हुआ है डेबिट, तो आप डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट को किधर लिख देंगे आप टू डिस्काउंट, किधर कितना है डिस्काउंट 250, डेबिट लिखा तो डेबिट तरफ आपने 250 लिख दिया, ठीक है 250, क्लियर। आगे क्या है, कमीशन क्रेडिट, तो लिख देंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना है आपका देख लीजिए आप, कमीशन है आपका 300, यहां आपने लिख दिया कितना 300, ये कॉलम नहीं है, बीच वाला लाइन जो है वो नहीं है, याद रखिएगा 300। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपने दिखाई दिया 28,000, क्लियर हो गई बात, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आप क्या करिए, क्रेडिट तरफ वाला जोड़ लीजिए, तो 28,300 आ रहा है, और डेबिट तरफ का पूरा जोड़िए, ठीक है, फिर क्रेडिट तरफ वाले में से डेबिट तरफ वाले को माइनस कर दीजिए, या जो भी अभी इस वाले प्रश्न में तो क्रेडिट तरफ जो है ज्यादा है और डेबिट तरफ आपका क्या है कम है, तो हमने कहा क्रेडिट तरफ वाला जोड़ करके डेबिट तरफ वाला माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर आपके जोड़ने के बाद, इन सभी को जोड़ने के बाद अगर आपका जो है ये तरफ ज्यादा आएगा, डेबिट तरफ ज्यादा आएगा, दोनों तरफ डेबिट वाला अमाउंट, अगर क्रेडिट तरफ का ज्यादा आएगा तो दोनों तरफ क्रेडिट तरफ का अमाउंट, जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे इस वाले प्रश्न में क्या है, इस वाले प्रश्न में याद रखिएगा, इस वाले प्रश्न में क्या है, क्रेडिट तरफ बड़ा है, तो क्रेडिट तरफ बड़ा है तो क्रेडिट तरफ हमने इधर जोड़ के लिख देंगे, हम जोड़िए तो हो जाएगा 28,300, कितना हो गया 28,300, इधर लिख दिया, और इधर भी क्या लिख देंगे 20, कॉलम में लिखिएगा आप लोग, ठीक है 28,300, क्लियर। ऐसे इधर भी 28,300, अब बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करो, मतलब
28,300 में से डेबिट तरफ वाला पूरा अमाउंट जोड़ लीजिए, इधर का ये पूरा अमाउंट जोड़ लीजिए, जितना आए उसे 28,300 में माइनस करिए, जो आएगा उसे हम क्या दिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट, क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट माइनस करके देखते हैं, चलिए माइनस कर लिया जाए, इसको माइनस करते हैं पूरे को। तो माइनस करने के बाद आ रहा है, आप देखिए माइनस करने के बाद थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूं जिससे आपको पता चले, ग्रीन कलर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा 6,750, कितना डिफरेंस आ रहा है, 6,750, यही 6,750 क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स ये थे आपका जो है पूरा का पूरा, आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, एक एग्जांपल लेके समझा दिया। अगला वीडियो हमारा होगा किस रिलेटेड, बैलेंस शीट से, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। इस टॉपिक में फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट के क्रम में हमने ट्रेडिंग देख लिया और प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।